गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट अनब्लॉक्ड। आज इस इवनिंग रैप में हम ये बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट का हाल चाल क्या था, कौन से कंपनीज ने अपना हाई बनाया, कौन से ने अपना 52 वीक लो तोड़ा, निफ्टी और सेंसेक्स में अगर उछाल आया है तो क्यों आया है, अगर निफ्टी आज हमें गिरता हुआ दिखा है तो वो क्यों गिरा है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी की। तो सेंसेक्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सुबह को 9:15 में जब मार्केट खुला था, मार्केट जब ओपन हुआ था 9:15 में, उस टाइम में जो सेंसेक्स था वो ऑलमोस्ट 57,500 के आसपास खुला था, लेकिन मार्केट बंद होने के करीब 3:30 के करीब 2:45 के बाद ही मार्केट में हमें एक फॉल देखने को मिला था, जिसमें कि सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1.23% से नीचे गिरा, जो कि 700 पॉइंट्स का था। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जब 9:15 को ओपन हुआ था उस समय वो 17,300 के करीब था, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते निफ्टी में भी हमें 215 पॉइंट्स का डाउनफॉल देखने को मिला, 1.25% का डाउनफॉल हमें देखने को मिला निफ्टी में, और निफ्टी फाइनली 16,958 पे जाके क्लोज हुआ। हमारे जो व्यूअर्स को ये बात पता नहीं है कि निफ्टी एंड सेंसेक्स क्या होता है, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि निफ्टी में इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनका कॉम्बिनेशन मिला के हम निफ्टी बोलते हैं, और जो टॉप 30 कंपनीज होती है उसको मिला के हम सेंसेक्स बोलते हैं। तो शॉर्ट में अगर मैं फिर से आपको बताऊँ तो टॉप 30 कंपनीज को सेंसेक्स कहा जाएगा और इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को हम निफ्टी से डिनोट करते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ इंडियन इंडेसेस की कि आज उसमें मार्केट में क्या हमें चेंजेस देखने को मिला। जैसा कि हमने अभी तुरंत निफ्टी 50 और इंडेक्स सेंसेक्स के बारे में बात किया था, निफ्टी 50 में हमें 1.25% का गिरावट देखने को मिला, सेंसेक्स में हमें 1.23% का गिरावट देखने को मिला, और अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की तो उसमें 1.05% का गिरावट है। तो ये क्यों है ना, क्योंकि निफ्टी का जो मेज़र निफ्टी बैंक में जो मेज़र कंपनी मेज़र बैंक्स आते हैं, जैसे एच डी एफ सी बैंक हुआ, तो इनका बहुत ज़्यादा ही ऑक्यूपाइड है निफ्टी बैंक में। तो जब से एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी का मर्जर का न्यूज़ आया है मार्केट में, जिस दिन ये न्यूज़ आया उस दिन तो एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक, इवन एच डी एफ सी के सारे ग्रुप्स के शेयर्स ही बहुत ज़्यादा हाई अपना टच किए, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए। उसके 2-3 दिन के बाद ही निफ्टी बैंक फिर से उसी लेवल पे आ गया, एचडीएफसी के सारे शेयर्स उसी लेवल पे आ गए। पहला दिन हमें लगभग 20% का उछाल देखने को मिला, और फिर वही अभी सारे एचडीएफसी के शेयर्स उसी पोजीशन पे आ गए। तो निफ्टी बैंक में जो हलचल है ये जनरली एचडीएफसी के कारण है। और वहीं पर अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें ना, तो निफ्टी आईटी में कल भी हमें 3-4% का गिरावट देखने को मिला था, और आज भी हमें 3% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली निफ्टी आईटी में क्या हो रहा है कि कुछ दिन पहले एलटीटीएस का रिजल्ट आया था, जिसमें हमें ऑलमोस्ट 18% का डाउनफॉल देखने को मिला था एलटीटीएस के शेयर प्राइस में। और फिर कल अभी इन्फोसिस का रिजल्ट आया, उसका भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था, जिस कारण से उसमें भी कल हमें 8-9% का डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये जो अच्छी अच्छी आईटी कंपनी है जिनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, जिस कारण से ये हमें एक डाउनफॉल निफ्टी आईटी में देखने को मिल रहा है। ये तो हुई बात इंडेसिस की, निफ्टी की और सेंसेक्स की। अब अगर हम बात करें कि आज वो कौन से टॉप गेनर्स थे जिन्होंने बहुत ऐसे ख़राब मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसमें पहला नाम आता है अपोलो हॉस्पिटल्स का। अपोलो हॉस्पिटल्स में आज हमें 5.75% का बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं पे कोल इंडिया, जो कि एक पीएसयू है जिसको डिविडेंड के लिए भी जाना जाता है, कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है, और कोल के मामले में कंपनी का ऑलमोस्ट 80% का मोनोपोली है मार्केट में, और कोई भी वैसे प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है जिन जो कोल उतना जनरेट करते हैं। वहीं पर रिलायंस, HPCL और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि आज टॉप गेनर्स के लिस्ट में आते हैं। अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें तो चंबल फर्टिलाइज़र है, माइंड ट्री ये अगेन एक आईटी कंपनी है, एलएनटी इंफोटेक ये भी एक आईटी कंपनी है,
इंटेलेक्ट डिज़ाइन और HDFC बैंक ये बैंकिंग सेक्टर में आता है। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट कंपनीज, वन ऑफ द बेसिक कंपनीज हैं जिनके कारण से आज हमें बैंक सेक्टर में और IT सेक्टर में ये एक फॉल देखने को मिला। आई होप आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये हमारा वेबसाइट है, आप चाहे तो इस पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट एंड ब्लॉग, बाय बाय।